त्राटक। त्राटक एक ऐसी विधि जिसके द्वारा आप अपनी अंतश चेतना को जागृत कर सकते हैं। त्राटक एक ऐसी विधि जिसके द्वारा आप अपने अंदर का वो चुंबकीय आकर्षण बढ़ा सकते हैं। त्राटक एक ऐसी विधि जिससे आप अपनी अवचेतन अवस्था को पूरी तरह से वॉश करके एक ऊर्जा का नवनिर्माण अपने अंदर कर सकते हैं। त्राटक को अगर हमें समझना है तो हमें सबसे पहले बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना होगा। ध्यान क्या है? सबसे पहले तो ध्यान है किसी चीज की तरफ अपनी चेतना को लेके जाना। जब हम ध्यान करते हैं तो हम किसी एक बात की तरफ ध्यान करते हैं, किसी एक अंग की तरफ ध्यान करते हैं, किसी एक विचार पर ध्यान करते हैं, किसी एक व्यक्ति पर ध्यान करते हैं, किसी एक विशेष प्रकार की सोच पर ध्यान करते हैं। चाहे वो विचार शून्यता भी है, उस पर भी हम ध्यान ही करते हैं। अब जब हम त्राटक की बात करते हैं तो त्राटक है क्या? त्राटक है त्राटक, टकटकी लगाकर मन को एक जगह केंद्रित कर देना। त्र आ टक, टकटकी लगाकर अपने मन को किसी स्थान पर केंद्रित कर देना। त्राटक एक ऐसी रहस्यमयी विद्या है, एक ऐसी रहस्यों की तरफ यात्रा है, एक उस उच्च फ्रीक्वेंसी हायर डायमेंशंस की तरफ की यात्रा है जो कि यदि हम करें तो जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी उपलब्धि हमारे लिए असंभव नहीं है। परंतु त्राटक को अगर हमें करना है तो सबसे पहले हमें उसकी एकाग्रता के जो उसका मूल तत्व है, एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, जिसको वो बनाता है और जिसके द्वारा हम वो करते हैं, उसे भी जानना होगा। सबसे पहले उसके लिए यदि हमें त्राटक की तरफ जाना है तो हमें एकाग्रता के मूल विचार को समझना होगा। एकाग्रता का मूल विचार क्या है और एकाग्रता और डिस्ट्रैक्शन यानी कॉन्सेंट्रेशन एंड डिस्ट्रैक्शन, इसके भेद को समझना होगा। इसको समझने के लिए हमें करना क्या होगा? त्राटक कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, त्राटक अग्नि त्राटक, मोमबत्ती का त्राटक है, बिंदु त्राटक है, श्रीयंत्र का त्राटक है, अग्नि यानी चिता, शमशान की चिता तक त्राटक बोला गया है, यज्ञाग्नि पर त्राटक करना यह भी बोला गया है, सूर्य त्राटक, चंद्र त्राटक, तारा त्राटक, ये सब त्राटक के प्रकार हैं। उसके साथ एक और है, उसको हम मानसिक त्राटक कहते हैं। त्राटक को हिप्नोटिज्म से सीधा जोड़ा गया है, हिप्नोटिक पावर से सीधा जोड़ा गया है, आपके आकर्षण से सीधा जोड़ा गया है। और सभी व्यक्ति यह चाहते हैं कि मेरे अंदर वो चुंबकीय आकर्षण आए, मेरी वाणी में वो ज्वलंतता आए, मैं जब वो बात करूं तो लोग सुने, मैं जब वो बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं तो लोगों का ध्यान मेरी तरफ जाए, मेरे अंदर वो ऊर्जा हो जो कि मैं भीड़ में जाऊं तो लोग मेरी तरफ आकर्षित हो। हर व्यक्ति चाहता है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अस्तित्व की लड़ाई हर व्यक्ति की है, संघर्ष ही तो है अस्तित्व का। अब त्राटक के अंदर अगर हमें अग्रसर होना है तो हमें एकाग्रता को समझना होगा। एक अग्रता यानी किसी एक की तरफ अग्र हो जाना। तो त्राटक के भेद को हम ऐसे समझें, सबसे पहले तो हमें एकाग्रता और अना एकाग्रता यानी जो कॉन्सेंट्रेशन है और डिस्ट्रैक्शन है उसको जानना, हमारे लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन की वर्किंग को जानना, हमारे ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म को जानना, हमारी उन सब विधियों को जानना जिसके द्वारा हमारा चंद्र अंदर से हमारे काम करता है, उन सब
विचारों को जानना जो कि अनकॉन्शियस स्टेट से उठकर हमारे एक्शंस में, सबकॉन्शियस से होते हुए हमारे एक्शंस में काम करते हैं। त्राटक करता क्या है? त्राटक आपके अंदर ऊर्जा बनाता है, एक लयबद्धता, एक कॉन्सेंट्रेशन बनाता है। परंतु वह कॉन्सेंट्रेशन, मैं हमेशा कहता हूं, डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, ये एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। आपके विचारों में भी वही चीज है। अक्सर जब व्यक्ति त्राटक करने लगता है तो क्या होता है, उसका मन उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और वही डिस्ट्रैक्शन को दूर करने का तरीका है त्राटक। त्राटक के फायदे और सावधानियां और उसके नुकसान भी हैं, ये सब बातें हम त्राटक सीरीज में करेंगे। त्राटक, अग्नि त्राटक जो है, बिंदु त्राटक, मानसिक त्राटक, मैंने कहा त्राटक को सम्मोहन से जोड़ा गया, तो सम्मोहन का प्रभाव जो शुरू होता है वो पहले अपने आप से होता है, पहले सेल्फ हिप्नोसिस होता है। त्राटक करने के लिए आपको जो भी चीजें चाहिए वो क्या है, केवल आप चाहिए, आप के विचार चाहिए, आप की विचार शून्यता भी चाहिए, आप का स्वयं पर शक्ति और संयम और कंट्रोल भी चाहिए, और त्राटक यही कार्य साध्य भी आपके अंदर करता है। जब आप त्राटक करते हैं किसी भी एक की तरफ अग्र होते हैं और उस रास्ते पर अग्रसर होते हैं तो रास्ते में बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं। त्राटक के जो मेन रूल्स हैं वो क्या है, ना अधिक खाना खाएं ना ज्यादा खाएं, ना ज्यादा बोलें ना कम बोलें, ना ज्यादा छुपके रहें ना ज्यादा भीड़ में जाएं, बिल्कुल बैलेंस्ड तरीके से जिए, ये शुरुआत है त्राटक की। यानी अगर हमें उस एक आग्रता यानी एकाग्रता की तरफ जाना है, उस शक्ति को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले अपने आप को बांधना होगा, और बांधना फोर्सफुली नहीं। त्राटक में जाने से पहले अक्सर गलतियां क्या होती हैं वो भी मैं बात करता हूं। त्राटक में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि व्यक्ति अपने आप को फोर्सफुली बांधता है, नहीं मुझे ब्रह्मचर्य रखना है, नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं पीना, जबकि एक्चुअल में जब तक आपकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाती, आप अगर त्राटक करेंगे भी तो उसमें बहुत देर बाद सक्सेसफुल हो पाएंगे। कारण, आपने अंदर के विचारों का शोधन प्योरिफिकेशन नहीं किया है। तो उसके लिए प्राणायाम जरूर करें, योग निद्रा जरूर करें, और उसके साथ में यदि आपके जीवन में कोई इल्यूजन्स चल रही हैं तो पहले उन इल्यूजन्स को सॉल्व करें, अपने विचारों को मथें यानी मंथन करें उनका। पहले तो एक विचार बनाएं कि मुझे क्या करना है, मुझे इस साधना में जाना है, और मेरे अंदर जो विचार उठ रहे हैं वो विचार कहां से आ रहे हैं। उसके लिए अपनी अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस स्टेट को समझना शुरू करें, अपने विचारों को पढ़ना शुरू करें, अपने आप को पढ़ना शुरू करें, अपने अंदर की कमियों को जानना शुरू करें। त्राटक बहुत उच्चतम विद्या है, और उस उच्चतम विद्या पर पहुंचने के लिए आपको वो हायर फ्रीक्वेंसी टच करनी पड़ेगी, और पहले अपने शरीर को हायर फ्रीक्वेंसी के लिए काबिल बनाएं। मैं हमेशा कहता हूं हमारे अंदर अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस स्टेट है, और कॉन्शियस स्टेट तब तक पूरी कॉन्शियस नहीं है जब तक हम अपने एक्शंस को होश से नहीं जानते कि मैं ये जो कर रहा हूं ये क्यों कर रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि अनकॉन्शियस स्टेट हिडन डार्क रूम है आपके अंदर, और उसे एनलाइटन करना है। आपका जन्म हुआ, आपकी मृत्यु होगी, पहले भी जन्म और मृत्यु हो चुके हैं, पर सोल जो हमारी ट्रैवल कर रही है, उसने जो हमारे बीच में, हमारे अंदर उस डार्क रूम में जो कार्मिक लेयर्स बना रखी हैं, वो जो
हमारे अंदर का छुपा हुआ कर्म है जो पहले से ट्रेवल कर रहा है, उसको भी आपको समझना होगा। त्राटक में जाने के लिए सबसे पहले आप खुद को समझना शुरू करें, त्राटक की कौन कौन सी विधियां हैं, त्राटक में क्या क्या होता है और त्राटक से कैसे अनुभव होते हैं, ये सब बातें भी हम करेंगे। परंतु आज हमने अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस स्टेट के बारे में बात करनी है। अनकॉन्शियस स्टेट में आपके जो डार्क रूम में भरी हुई एनर्जीज हैं, जब आप त्राटक करना शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे उस लॉ या उस बिंदु की तरफ अपने आप को एकाग्र करते हैं। या त्राटक एक विचार का भी होता है, त्राटक हमारे अंग का भी होता है। विज्ञान भैरव तंत्र में जो बोला गया है कि आप पद्मासन लगाकर अपने रूट चक्र की तरफ ध्यान रखते रहे, वो भी तो एक त्राटक है। हमारे योगियों ने क्या किया है योग निद्रा में, वो भी तो त्राटक है। पहले उन्होंने अपनी बॉडी के एक एक अंग को ध्यान रखना शुरू किया, ध्यान किया, और उसके बाद में फिर उन्हें सुलाया, फिर वो उनके अंदर की और एनर्जीज को, यानी धीरे 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 धीरे, यानी जैसे योग निद्रा में आप कहते हैं मेरा पैर सो रहा है, मेरी पिंडली सो रही है, घुटने सो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। योगी एक त्राटक की तरफ जब चलता है तो वो, अगर योग निद्रा की ही बात करें तो वो नाखून तक को सुलाता है, फिर वो अपने एक एक ज्वाइंट की तरफ ध्यान देता है, वो इन लाइंस की तरफ, अपने हाथों की लकीरों की तरफ भी ध्यान देता है, अपने होठों के इस पॉइंट पर सब जगह ध्यान देता है, तो वो भी एक त्राटक है। मानसिक त्राटक सबसे पहले स्टार्ट होता है, मेरी एक रिक्वेस्ट सुने, सीधा अग्नि त्राटक की तरफ मत जाएं, पहले मानसिक त्राटक शुरू करें, अपने चक्रास पे त्राटक शुरू करें। वो विधियां कैसे हैं, क्या है, वो हम आने वाली पोस्ट में डिस्कस कर रहे हैं, जुड़े रहिएगा है।